खरगोन जिले के भगवानपुरा विकास खंड के ग्राम सिरवेल महादेव में खरगोन बड़वानी लोकसभा के लोकप्रिय नवनिर्वाचित सांसद गजेंद्र पटेल की आभार यात्रा ऐतिहासिक व अभूतपूर्व रही। हजारों की तादाद में क्षेत्रवासी शामिल हुए, जगह जगह पुष्पारों से स्वागत भी किया गया। सबसे पहले पटेल ने महादेव की पूजा अर्चना की, ग्रामीणों ने मंदिर परिसर में पटेल का तोला दान किया। उसके बाद आभार यात्रा प्रारंभ की, जिसके बाद आम सभा को संबोधित किया, जिसमें पटेल ने कहा कि इस क्षेत्र की जनता का आभार व्यक्त करता हूं और सर झुकाकर अभिनंदन करता हूं जो इतनी तेज धूप में भी शामिल हुए। आभार यात्रा में बच्चे, महिलाएं, युवक युवतियों का उत्साह देखने लायक था। साथ ही पटेल ने कहा कि कुछ लोग आपके क्षेत्र में टाइगर रिजर्व को लेकर अफवाहें फैला रहे हैं कि आपकी जमीन छीन ली जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपकी जमीन का एक भी टुकड़ा नहीं जाने दूंगा, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। साथ ही वनांचल क्षेत्र में विकास की कोई कमी नहीं रहेगी, बस तुम मेरे कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलो। हमारे प्रधानमंत्री ने किसानों के हितों के लिए विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाएं बनाई है, जिसका लाभ आप ले रहे हैं। सेगांव से संजय जायसवाल और भगियापुर से मनोज मालविया की रिपोर्ट। बहुत हृदय से आभार, मेरा गर्दन और कमर झुक गई स्वागत झेलते झेलते। मालाएं आती गई और मैं झुकता गया, माला आती गई मैं झुकता गया। आभारी हूँ आपका, हृदय से आभारी हूँ कि आप सबकी पसीने की ताकत और मेहनत के कारण आज देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बना है और ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। ये आप जैसे कार्यकर्ता जिसने मतदान केंद्र पे काम करके दिखाया, एक एक वोट से 16,500 की लीड आप जैसे सब कार्यकर्ताओं ने की है। मैं आपको हृदय से बधाई देता हूँ, हृदय से दिल खोलकर बधाई देता हूँ। और इसलिए मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि दिल्ली से आने के बाद में सबसे पहला कार्यक्रम मैंने इसी सिरवेल महादेव की धरती से शुरू किया और यही पीपल जोपा की धरती पर आकर मैं कार्यक्रम कर रहा हूँ। ये लोकसभा का सबसे बड़ा कार्यक्रम है और ये दिखाता है कि किस प्रकार की ताकत से आप लोगों ने वोट दिए और आप लोगों ने मेहनत करी। आप विश्वास करिए।